नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है कि तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, मतलब तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। हरिद्वार में माता के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग सुबह से ही मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में नवरात्र के मौके पर मां विंध्यवासिनी के दरबार को सजाया गया है। विंध्यवासिनी के विंध्याचल सिद्धिपीठ में 8 दिनों तक चलने वाले मेले का आयोजन होता है और इस दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन और पूजा के लिए यहां पहुंचते हैं। वाराणसी में भी मंदिरों में नवरात्र की धूम दिख रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपने सरकारी घर में शिफ्ट होंगे। सुबह 10:30 बजे के करीब योगी लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास 5 कालिदास मार्ग में रहने के लिए जाएंगे। आचार्य मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी मंत्रियों और विधायकों को फलाहार के लिए अपने नए घर पर बुलाया। उनके साथ योगी आदित्यनाथ जमीन पर बैठकर फलाहार करेंगे। यूपी में योगी सरकार किसानों का कर्ज माफ करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने अफसर के साथ बैठक की और इसके बाद सरकार इसके लिए केंद्र से भी कर्ज ले सकती है। कर्ज माफी से पड़ने वाले वित्त भार को वहन करने के लिए यूपी सरकार केंद्रीय वित्त मंत्रालय के ट्रांसफर टू स्टेट मद से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तमिलनाडु के किसान पिछले 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने इस प्रदर्शन में महिलाएं, बूढ़े और जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने साथ नर मुंड भी ला रखे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि नरमुंड उन किसानों के हैं जिन्होंने सूखे और कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए तमिलनाडु के कई नेता भी जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसानों से बात करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंगलवार से G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है और मंगलवार को 2 दिवसीय बैठक का पहला दिन था, जिसके बाद 85 सदस्यों वाला डेलीगेशन दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने पहुंचा। घाट पर पहुंचे डेलीगेट्स ने नाव पर सवार होकर आरती देखी। आरती और घाट के बारे में जानकारी देने के लिए हर नाव में पर्यटन विभाग के गाइड्स मौजूद थे। बैठक का बुधवार को दूसरा दिन रहेगा, जिसके बाद डेलीगेट सारनाथ जाएंगे। देहरादून में आज बीजेपी की एक अहम बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के मंत्री और विधायक शामिल होंगे और आज बैठक दोपहर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक का मकसद संगठन और सरकार में तालमेल को और बेहतर बनाना है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रहे पलायन को रोकने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जाएगा। इस समिति में राज्य मंत्री धन सिंह रावत और रेखा आर्य भी सदस्य होंगे। साथ ही उन्होंने ऑल वेदर रोड के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश मार्ग पर काम जल्द शुरू होगा, साथ ही चारधाम यात्रा के लिए हवाई, रेल, सड़क मार्ग को सुगम बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रुड़की के भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की घोषणा की। कुछ दिन पहले ममता राकेश को बम से उड़ाने की धमकी भरा खत मिला था। कश्मीर के बड़गांव में 3 पत्थरबाजों की मौत के विरोध में अलगाववादियों ने आज बंद का ऐलान किया। अलगाववादियों ने 3 पत्थरबाजों की मौत के मामले में जांच की भी मांग की। बंद को देखते हुए कश्मीर घाटी में आज ट्रेन नहीं चलेगी। साथ ही आज होने वाले कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी टाल दी गई है। बड़गांव में करीब 10 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद एक आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकी की शिनाख्त कुलगांव के रहने वाले तौसीफ अहमद मागरे के तौर पर की गई है और तौसीफ हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था। हाल ही में बड़गांव में पुलिस अधिकारी की गाड़ी चलाने के मामले में भी वो शामिल था। We'll be right back.
कानपुर में पिछले साल एक स्कूल प्रिंसिपल की हत्या आतंकवादियों ने ट्रायल के तौर पर की थी। मध्य प्रदेश में ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी गौस मोहम्मद खान और फैजल से पूछताछ के बाद ये खुलासा एनआईए ने किया। एनआईए के मुताबिक 24 अक्टूबर 2016 को फैजल ने स्वामी आत्म प्रकाश जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल रमेश चंद्र शुक्ल की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। एनआईए के मुताबिक फैजल ने कत्ल का वीडियो भी बनाया और उसे आईएसआईएस के अपने आकाओं के पास भेजा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ट्रेन बम ब्लास्ट के आरोपियों के बारे में एनआईए को अहम सुराग हाथ लगे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपी आतिफ मुजफ्फर के आईएसआई से कनेक्शन का पता चला है। आतिफ आईएसआई एजेंट शफी शेख के संपर्क में था। कॉल डिटेल्स में आईएसआई से कनेक्शन के सबूत मिले हैं। मोबाइल में कोडवर्ड में कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए थे। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरिया के छात्रों के साथ मारपीट के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 2 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की हैं, जबकि 1 नाइजीरिया के युवक ने दर्ज कराई है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा की उन सोसाइटीज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है जिनमें नाइजीरियाई छात्र रहते हैं। नाइजीरिया के छात्रों का डर दूर करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। नाइजीरिया के एम्बेसी के अधिकारियों ने ग्रेटर नोएडा पहुंचकर अपने देश के छात्रों से मुलाकात की। यूपी के मथुरा में नकल रोकने पहुंचे मजिस्ट्रेट की पिटाई कर डाली गई। नकल रोकने पर माफियाओं ने यह हमला किया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने नकल रोकने के लिए निर्देश जारी कर दिए। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भीड़ के नहीं जुटने की हिदायत भी दी गई। बदायूं में बारातियों से भरी एक कार एक टैंकर से टकरा गई और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बरेली आगरा रोड पर हुआ। फिलहाल पुलिस मामले में टैंकर चालक पर कार्रवाई की बात कह रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस से छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। वीडियो में कुछ छात्र बीएचयू कैंपस में बने सर सुंदरलाल अस्पताल के बाहर खड़ी डॉक्टर्स की कार में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। सोमवार को जूनियर डॉक्टर्स और छात्रों के बीच इलाज को लेकर विवाद हुआ था, जिसके विरोध में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। दूसरी ओर छात्र भी डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। इटावा से ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों का शराब पीने का वीडियो सामने आया है। दरोगा समेत 5 पुलिस वाले सरकारी गाड़ी में खुलेआम शराब पी रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद 5 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और जिला जजों के एक दस्ते ने इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने कैदियों से उनकी समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। टीम ने कैदियों के इलाज के लिए समुचित इंतजाम किए जाने का भी निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर की एक महिला ने देहरादून के एक मौलाना पर रेप और रेप का अश्लील एमएमएस बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का और बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। अमरोहा के गजरौला में एक युवक का अजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान छिपाने के लिए चेहरा जलाने की कोशिश हुई थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हरिद्वार में गंगा को प्रदूषित करने के आरोप में एक होटल और 5 धर्मशालाओं को सील कर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एमसीडी चुनाव में बीजेपी का प्रचार कर सकते हैं। दिल्ली बीजेपी योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह दिल्ली में रैली करेंगे। जेडीयू उम्मीदवारों को जिताने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के भी दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनाव के लिए 19 सदस्यों वाली चुनाव समिति की घोषणा की है और समिति में दिल्ली बीजेपी की कोर कमेटी के 15 सदस्यों के अलावा प्रदेश बीजेपी के 3 महासचिव और महिला मोर्चा के अध्यक्ष पूनम पाराशर को भी शामिल किया गया है और चुनाव समिति की एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव करेगी। दिल्ली के गोविंदपुरी से बीजेपी पार्षद चंद्र प्रकाश कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली कांग्रेस के मुख्यालय में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। निर्दलीय चुनाव जीतने वाले चंद्र प्रकाश बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में ने एमसीडी चुनाव में सभी मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं देने का फैसला किया, जिसका कई मौजूद पार्षद विरोध कर चुके हैं।
एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने टिकट बंटवारे में परिवारवाद का आरोप लगाया और युवा कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाने की मांग की। दिल्ली की एक अदालत ने फर्जी डिग्री के मामले में केजरीवाल सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को समन जारी किया है। तोमर के अलावा इस मामले में बिहार की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों समेत 13 लोगों को भी तलब किया गया है। तोमर पर इसी यूनिवर्सिटी से लॉ की फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप है। राजधानी दिल्ली में पिछले 3 वर्षों के दौरान सांसदों और विधायकों के घरों में चोरी के 73 मामले दर्ज किए गए। चोरी के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा में पूछे गए सवाल में इस बात की जानकारी दी। एयर इंडिया ने एक बार फिर शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का टिकट रद्द कर दिया। गायकवाड़ ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए आज सुबह मुंबई से दिल्ली का टिकट बुक कराया था। एयर इंडिया के कर्मचारी से बदसलूकी के बाद कई एयरलाइंस ने गायकवाड़ का नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। कर्मचारी का कसूर बस इतना था कि उसने पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति को फोन पर बात करने से मना किया था और पिटाई की वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुंबई के गणपत पाटिल नगर इलाके में एक इमारत की 16वीं मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से फ्लैट में रखे गैस सिलेंडर्स और एसी में ब्लास्ट हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के हाथरस में एक ग्राहक को बैंक से पैसे निकालने पर 2000 रुपए के नकली नोट मिले। ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त में जयप्रकाश नाम के एक शख्स ने 1.5 लाख रुपए की रकम निकाली थी। जब वो पैसे लेकर खरीदारी करने पहुंचा तो उसे नकली नोट होने की जानकारी मिली। जयप्रकाश ने बैंक पहुंचकर बैंक मैनेजर से नोट बदलने की बात कही तो उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि बाद में बैंक ने मामले की जाँच करने की बात कही है। दिल्ली के जनकपुरी में पुलिस ने एक कारोबारी को 500 और 1000 के पुराने नोटों के साथ हिरासत में लिया। चिटफंड का कारोबार करने वाले अनिल जैन के पास से 4,23,00,000 रुपए के पुराने नोट जब्त किए गए। 50% कमीशन पर पुराने नोट बदले जाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और कारोबारी अनिल जैन को धर दबोचा। अनिल जैन की कार से नोटों से भरे 6 बैग्स बरामद किए गए। पूछताछ के बाद फिलहाल आरोपी को आयकर विभाग की कस्टडी में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात इसी साल होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप के नियुक्ति पर पीएम इस साल वॉशिंगटन जाएंगे और हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई। ट्रंप ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर बधाई देने के लिए पीएम मोदी को फोन किया था। इसी दौरान उन्हें अमेरिका आने का न्योता ट्रंप ने दिया। 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा। IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा करने की हरी झंडी दे दी है। IRDAI ने इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशन पर ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। इसके तहत ब्रोकर्स के एप्लीकेशन में IT इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह दी जाएगी। अलग अलग कैटेगरीज के ब्रोकर के लिए मिनिमम पूंजी की रकम तय की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार GST बिल को सर्वसम्मति से पास कराना चाहती है। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्टी सांसदों से संबोधित करते इस बात का जिक्र किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने सांसदों को GST के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि GST से जुड़े 4 बिल GST काउंसिल में विस्तृत चर्चा के बाद तैयार किए गए हैं जिसमें सभी राज्यों की भागीदारी रही है। वित्त मंत्रालय ने GST के आसान ट्रांसमिशन के लिए 10 सेक्टर के हिसाब से वर्किंग ग्रुप बनाए हैं और इन वर्किंग ग्रुप को सभी सेक्टर के प्रतिनिधि अपने सुझाव सौंपेंगे। वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों को सेक्टर के लिए टैक्स रेट तय करने का समय रखा जाएगा। वर्किंग ग्रुप ये देखेगा कि कैसे छोटे और मीडियम दर्जे के कारोबारियों के लिए GST का कंप्लायंस आसान रखा जाए। ये पक्का किया जाए कि बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले सेक्टर्स को कोई मुश्किल नहीं हो। SBI ने उन्नति कार्ड लॉन्च किया है। SBI ने सभी अकाउंट होल्डर्स को उन्नति कार्ड मिलेगा। जनधन अकाउंट होल्डर्स को भी ये कार्ड मिलेगा और यानी अब जनधन अकाउंट होल्डर्स को क्रेडिट कार्ड मिलेगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और पहली बार क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को ध्यान में रखते हुए उन्नति कार्ड लॉन्च किया गया। इस क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल डीजल लेने पर रिवॉर्ड्स
पॉइंट मिलेंगे। चाइनीज स्मार्टफोन ओप्पो के खिलाफ मंगलवार को नोएडा में प्रदर्शन हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक ओप्पो के नोएडा ऑफिस में कंपनी के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर तिरंगे को फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया था। टेलीकॉम कंपनीज के संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने कॉल ड्रॉप के मसले पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। COAI ने देश में बिक रहे मोबाइल हैंडसेट की क्वालिटी पर सवाल खड़ा किया और सरकार से हैंडसेट की क्वालिटी पर गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। टेक्नोलॉजी दिग्गज एप्पल ने iOS के नए वर्जन अपडेट कर जारी किया है। iOS के नए 10.3 वर्जन को आईफोन और आईपैड में इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर आपके पास आईफोन या आईपैड है तो आपको ये नए वर्जन आप इंस्टॉल कर पाएंगे। पैनासोनिक ने अपना फ्लैगशिप कैमरा ल्यूमिक्स GH5 भारत में लॉन्च कर दिया। पैनासोनिक ल्यूमिक्स GH5 में 6K फोटोग्राफी की क्षमता है। इसमें 60 फ्रेम प्रति सेकंड की रफ्तार से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है और 30 फ्रेम्स प्रति सेकंड की रफ्तार से क्वालिटी की तस्वीरें भी खींची जा सकती हैं। रेलवे के मिशन 41,000 को हासिल करने के लिए तेजी से कोशिशें की जा रही हैं। रेलवे ने राजस्थान सरकार के साथ ओपन एक्सेस मशीनिज्म का करार किया है और इसके तहत रेलवे ट्रांजेक्शन एनर्जी के जरिए 1,500 करोड़ रुपए की बचत करेगी। रिलायंस जियो अपने प्राइम ऑफर को बढ़ाने जा रही है। खबर ये है कि रिलायंस जियो अपने प्राइम ऑफर को 31 मार्च से आगे तक बढ़ाएगी। इसके पीछे वजह यह है कि रिलायंस जियो के ऑफर को ठंडा रिस्पांस मिला है। रिलायंस जियो प्राइम ऑफर को सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 31 मार्च के बाद भी 3 महीने तक इनकमिंग कॉल जारी रहेंगी। रिलायंस जियो ने 10 करोड़ ग्राहक बनाए थे, इनमें से केवल 27% लोग ही अब तक इस प्राइम ऑफर से जुड़े हैं। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस नहीं जारी किया। ललित मोदी ने दावा किया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भारत सरकार के अपील को इंटरपोल ने खारिज कर दिया। इंटरपोल के इस फैसले के बाद ललित मोदी अब किसी भी देश में यात्रा कर सकते हैं और उन पर कोई निगरानी नहीं रखी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत के बाद BCCI ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए इनाम का ऐलान किया है। सभी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे जबकि हेड कोच को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2-1 से जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया ने टेस्ट में नंबर एक टीम का दर्जा बरकरार रखा है। धर्मशाला टेस्ट जीतकर भारत ने फिर बॉर्डर गावस्कर पर कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया और 2-1 से सीरीज जीत ली। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतकर टीम इंडिया से लगातार 7 टेस्ट सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाया। अगस्त 2015 से सिर्फ 2 मैच में हार मिली जबकि भारत ने 17 मैच जीते। इस सीरीज की जीत के साथ ही टीम इंडिया ने बनाया एक अनोखा रिकॉर्ड। भारत टेस्ट खेलने वाले हर देश के साथ सीरीज जीत चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी घर व्हाइट हाउस के नजदीक संदिग्ध पैकेट के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। सुबह 10:15 के करीब संदिग्ध व्यक्ति पर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की नजर पड़ी। इसके बाद करीब 1.5 घंटे के लिए व्हाइट हाउस को बंद कर दिया गया। बम डिस्पोज स्क्वाड ने टीम के मौके पर आकर छानबीन की और पैकेट मिलने के समय राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा प्रशासन के दौरान क्लाइमेट चेंज को लेकर जारी नीतियों को रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि इससे नौकरियां खत्म करने वाली नीति खत्म होगी और कोयले को लेकर हो रहा विरोध भी थमेगा। स्कॉटलैंड की संसद ने एक बार फिर आजादी के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव के समर्थन में 69 वोट पड़े जबकि विरोध में 59 स्कॉटलैंड के लोग यूरोपियन संघ से ब्रिटेन के बाहर होने का विरोध कर रहे हैं और 2014 में भी स्कॉटलैंड ने ब्रिटेन से आजादी के लिए जनमत संग्रह किया था जिसका 55% लोगों ने विरोध किया था।